हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वीवो के यू सीरीज़ के फ़ोन की। आपको पता ही होगा गाइस कि वीवो ने अपना U10 लॉन्च किया था अभी कुछ महीने पहले ही, और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी। काफ़ी बजटेड फ़ोन था, और अब वीवो गाइस U20 लेकर आ रहा है मार्केट के अंदर। बताया जा रहा है कि ये उसका अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, सक्सेसर होने वाला है उसका, और कुछ इसके फीचर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे वीवो U10 से ऑफ कोर्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे गाइस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीवो U10 ने अभी लॉन्च किया था, वीवो ने अपना यू सीरीज़ का फ़ोन कुछ महीने पहले ही, और ये बजटेड फ़ोन था, और अभी उन्होंने वीवो U20 लॉन्च कर दिया गाइस। और बताया जा रहा है गाइस कि ये कुछ इसके जो अपग्रेडेड वर्जन है वीवो U10 का वो होने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे गाइस। पहले मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 11,990 रुपीज़ के साथ मिलेगा आपको, तीन कलर के साथ, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर के साथ। इसके साथ साथ गाइस इसमें आपको 675 का क्वालकॉम चिपसेट ड्रैगन भी मिल रहा है प्रोसेसर जो है। और बताना चाहूँगा गाइस कि ये तीसरा फ़ोन है वीवो का जिसमें इन्होंने अपना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट प्रोसेसर लगाया है। इससे पहले उन्होंने V15 Pro में और V17 Pro में ही ये दोनों चिपसेट यूज़ करे हैं। तो एक तो ये डिफरेंस है गाइस। इसके अलावा गाइस, अगर मैं वीवो U10 की बात करूं तो उसमें 665 का प्रोसेसर लगा हुआ था जो कि क्वालकॉम का नहीं था। और इसके अलावा इसमें भी गाइस 5000 mAh की बैटरी मिल रही है आपको, साथ ही साथ आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा भी मिल रहा है और वाटर ड्रॉप नॉच भी मिल रही है फ्रंट साइड पे, ठीक है गाइस। इसके अलावा गाइस इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ गाइस वीवो के लॉन्चिंग डेट की, तो ये हो रहा है 22 नवंबर को लॉन्च। और इसमें आपको ये जो फ़ोन है गाइस, आप यहाँ तो वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर अमेज़ॉन से भी आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है गाइस। और लाइक इसके मैं आपको, जैसे मैंने बताया गाइस कि ये आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ मिलना है, विद 18W फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करेगा। और गाइस जो टीज़र शो कर रहा है उसमें काफ़ी अच्छा और क्लासी फ़ोन लग रहा है, काफ़ी ग्रेडियंट फ्यूजन है, फिनिश है इसकी फ़ोन की, क्लासी डिज़ाइन के साथ आ रहा है ये फ़ोन। और इसके साथ एक चीज़ और है कि इसमें आपको 6GB RAM और UFS 2.1 की स्टोरेज भी मिल रही है गाइस। तो ओवरऑल फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और अगर मैं बात करूँ तो दोनों फ़ोन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चाहे मैं वीवो U10 की बात करूँ या वीवो U20 की। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसर, क्योंकि हम जब भी फ़ोन लेते हैं गाइस मेन होता है उसका प्रोसेसर, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चले। इसके अलावा प्राइस भी इसका विद इन बजट है 11,990 रुपीज़, करीबन 12,000 रुपये, और 5000 mAh की आपको वैसे बैटरी भी मिल रही है गाइस इसमें। तो अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूँ इस फ़ोन के लिए, तो आउट ऑफ 5 मैं बिल्कुल इसको 5 ही दूंगा, क्योंकि एक तो ये बजटेड फ़ोन है और इसके अलावा ये जो है लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आ रहा है वीवो यू सीरीज़ के फ़ोन के साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ट्रिपल रियर कैमरा भी मिल रहा है इसमें, वाटर ड्रॉपनेट स्क्रीन भी मिल रही है फ्रंट साइड पे। तो ओवरऑल फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है फ़ोन। बाकी आपके ऊपर है गाइस कि आप इसे फ़ोन लेने को लेना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप फ़ोन खरीद सकते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, गुड बाय।